क्लास 11th का चैप्टर थर्ड मिसलिनियस एक्सरसाइज का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए स्टूडेंट, 2 cos A cos B तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला यहाँ बनता है स्टूडेंट cos A cos A + cos B, यहाँ फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट। समझ में आया आपको? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको एज इट इज लिखना होगा, 2 cos π/13 टू cos 9π/13, समझ में आया स्टूडेंट। प्लस का साइन देंगे। अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, cos A + cos B, ठीक है, यानी कि cos A + cos B, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट बताइए। तो आप याद रखिएगा, 2 cos A + B का हाफ इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी का हाफ। समझ में आया स्टूडेंट, ये होते हैं। समझ में आया? तो हमें स्टूडेंट क्या करना है, इसे इसे स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है। cos A + cos B के फॉर्म में है, तो हमें इसको इस फॉर्म में करना होगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो चलिए हम लोग करते हैं। तो क्या स्टूडेंट, 2 है तो 2 लिखिए, कॉस है तो कॉस लिखिए, फिर a + b का हाफ। तो a + b क्या है स्टूडेंट, a मेरा क्या है देख लीजिए आप यहाँ पर, 3π/13 प्लस b क्या है मेरा स्टूडेंट, 5π/13, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, ये a है और ये b है, ठीक है। फिर डिवाइड का क्या स्टूडेंट होगा, ये देख लीजिए हाफ है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, इंटू, समझ में आया स्टूडेंट, कॉस ऑफ a - b का हाफ। तो ए क्या है स्टूडेंट मेरा, 3π/13 - 5π/13, और फिर इसका भी हाफ। समझ में आया स्टूडेंट, ये हुआ फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम स्टूडेंट LHS मान लेते हैं। समझ में आया? अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13, ठीक है, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13, इसको आप एज इट इज लिख दिए। प्लस अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2 है तो आप 2 लिख दिए। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, 3π + 5π कितने होंगे स्टूडेंट, 8π होंगे, ठीक है। 3π + 5π दोनों को जोड़ेंगे तो 8 होंगे, और एलसीएम तो पता ही है, 13 13 का एलसीएम 13 ही होगा, और ये डिवाइड का स्टूडेंट 2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 2 4 8 यानी कि 4π/13, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉस क्या आ गया, 4π/13, समझ में आ गया स्टूडेंट, इंटू कॉस, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, 3π में से आप 5π घटाइएगा तो क्या आएंगे, 2π आएंगे, लेकिन 5π माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, डिवाइड का साइन आएगा, फिर 13 है स्टूडेंट तो आप 13 लिखिएगा, डिवाइड दीजिएगा फिर, और यहाँ क्या है 2, तो आपके 2 भी यहाँ लगेंगे, यानी कि ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताइए आप, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, -π/13, समझ में आया स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -π/13, ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है, आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। इसे आप एज इट इज ही लिखिए, 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस, यहाँ देख लीजिए ये ऐसे ही आप लिखिएगा, 2 cos 4π/13 इंटू, ये जो स्टूडेंट माइनस में है ना, फिर ये जो माइनस में है cos, ठीक है, cos माइनस जो माइनस में एंगल है वह क्या हो जाते हैं, प्लस में एंगल हो जाते हैं, देख लीजिए एक बार ध्यान से, cos θ = cos θ। एक्चुअली क्या है स्टूडेंट कि cos θ और sec θ जो होते हैं, जो माइनस में होते हैं, यह माइनस को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, और एंगल को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, प्लस में बना देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन खुद हट जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा cos π/13 हो जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए आप, प्लस के अंदर 2 cos π/13 यहाँ है, और प्लस के बाहर 2 cos π/13 है,
ठीक है स्टूडेंट, दोनों तरफ है बराबर। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि 2 कॉस पाई बाई 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट बताइए, कॉस 9 पाई बाई 13 ओके, प्लस क्या बच जाएगा कॉस 4 पाई बाई 13। यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आ गया बताइए। अब स्टूडेंट फिर वही सिस्टम आ गया, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है इसको आप एज इट इज लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉस पाई बाई 13 ओके स्टूडेंट। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये कॉस ए प्लस कॉस बी देख लीजिए, कॉस ए प्लस कॉस बी का क्या फॉर्मूला होगा, ये ए है मेरा और ये बी है, तो क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला होता है, तो हमें इसे स्टूडेंट इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है स्टूडेंट, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला यानी कि ये होता है, तो हमें इसको स्टूडेंट इस फॉर्म में करना होगा, तो करते हैं स्टूडेंट, तो 2 है यहाँ पर तो हमें 2 लिखना होगा इनटू क्या है फिर है कॉस ए प्लस बी का हाफ, तो ए क्या है स्टूडेंट 9 पाई डिवाइड 13 ए है, बी क्या है स्टूडेंट प्लस 4 पाई डिवाइड 13 और फिर इसका हाफ कह रहा है स्टूडेंट, तो इसका हाफ समझ में आया इनटू फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी का, ये कॉस है स्टूडेंट फिर ए माइनस बी का हाफ, ठीक है तो ए क्या है स्टूडेंट मेरा 9 पाई डिवाइड 13 माइनस 4 पाई डिवाइड 13 और फिर इसका हाफ, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक, ये देख लीजिए ये वाले हाफ ये डिवाइड के बाद 2 क्योंकि ए और बी फ्रैक्शन में है, ए बी फ्रैक्शन में है स्टूडेंट, तो आप चिंता मत कीजिएगा ये डिवाइड का 2 है, ठीक है ये वाले 2 हैं, ठीक है ये वाला 2 है स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको, ठीक है अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम क्या लिखेंगे 2 कॉस पाई बाई 13 ठीक है इनटू, अब यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट 2 कॉस हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट 2 कॉस, ठीक है अब यहाँ देख लीजिए 9 पाई और 4 पाई कितने होंगे स्टूडेंट 13 पाई हो जाएंगे, डिवाइड ये 13 हो जाएंगे इनटू ये 2 हो जाएंगे, तो स्टूडेंट क्या हो गया 13 13 से कट गया तो पाई बाई 2 हो गया, तो कॉस पाई बाई 2 आ गया मेरा, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ तक आपको कॉस पाई बाई 2। फिर यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट इनटू, अब यहाँ पर यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि कॉस कॉस है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट ये कॉस है तो आप कॉस लिख दीजिए, 9 पाई में से आप 4 पाई घटाइएगा तो 5 पाई बचेंगे, डिवाइड ये 13 का एलसीएम 13 इंटू ये 2 यहाँ आ जाएगा 13 टू जो 26 हो जाएंगे और 5 पाई, ठीक है स्टूडेंट तो खैर हमें इससे और इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको तुरंत अब प्रूफ हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट 2 कॉस पाई बाई 13 इंटू 2 हो गया ये 2, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होते हैं 0 इंटू ये कुछ भी आप लिख दीजिए कुछ भी मान लीजिए 5 बाई 26 है, ठीक है स्टूडेंट तो अब आप ध्यान दीजिए 0 से आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आते हैं 0 इजकल टू आर एच एस प्रूफ्ड, ओके समझ में आया स्टूडेंट, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है मेरे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद जय भारत।